साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदिल दुर्रानी को लेकर नई और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, देर रात ये फैसला डिकोड हो पाया क्योंकि वैसे तो दिन में सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने फैसला दे दिया था, मगर डिटेल फैसला काफी देर बाद आया और उसके बाद भी डिटेल फैसले को समझने में काफी देर हो गई, जिसमें पूरी तरह से ये मामला यू टर्न होता नजर आ रहा है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्थर रोड जेल के जेलर को आदेश दे दिया, आदिल दुर्रानी केस के जांच अधिकारी को आदेश दे दिया और फिर उसके बाद आज यानी कि गुरुवार 16 फरवरी की सुबह आदिल को जेल से निकाल दिया गया। जी हां, सुबह आदिल को जेल से फिर निकाल दिया गया और जांच अधिकारी को पूरी अथॉरिटी मिल गई है। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आदिल दुर्रानी को लेकर तरह तरह की बातें आ रही थी। आदिल को 15 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया था और पुलिस ने राखी सावंत के मामले में आदिल की पुलिस रिमांड मांगी थी। यहां तक कि मैसूर में दर्ज दूसरे केस में भी रिमांड मांगी गई थी, मगर ये डिमांड कोर्ट ने फिलहाल पूरी नहीं की और आदिल दुर्रानी को अभी जेल में ही रहने को कहा है। अब ये यहां पर ऑपरेटिव फैसला था, यानी कि तत्काल के हिसाब से जो फैसला दिया गया, मगर डिटेल फैसले में बहुत कुछ और था और वो देर रात तक ही कोड हो पाया और उसी के मुताबिक आदिल को जेल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। कोर्ट के डिटेल ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि कोर्ट ने मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया है कि आदिल को जांच अधिकारी को सौंपा जाए। जी हाँ, यहीं पर मामले में ट्विस्ट आ गया क्योंकि कोर्ट ने पुलिस रिमांड तो नहीं दी, लेकिन साथ में ये कह दिया कि आदिल दुर्रानी को मामले के जांच अधिकारी को सौंपा जाए और वही जांच अधिकारी कोर्ट में दुर्रानी को पेशी के लिए लेकर जाएगा। यही इसी के साथ अगले ही दिन यानी कि 16 फरवरी की तारीख एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से दी गई। आगे देखिए, आदिल दुर्रानी पर कोर्ट के इस फैसले के बाद आज सुबह ही राखी सावंत वाले केस के जांच अधिकारी जेल पहुंच गए और जेल से आदिल को निकलवा लिया। जी हां, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। आदिल दुर्रानी को सुबह जेल से निकाला गया और जांच अधिकारी अपने साथ लेकर गए। हालांकि कोर्ट में तो सुबह 11 बजे सुनवाई होनी थी और इसके बाद भी काफी वक्त लग गया क्योंकि कई मामलों की एक ही दिन में सुनवाई हो रही थी, लेकिन आदिल दुर्रानी को मुंबई की जेल से सुबह करीब 8 बजे ही निकाल दिया गया था। जेल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुबह करीब 8 बजे ही आदिल दुर्रानी को जेल से निकाल लिया गया। हालांकि तय नियमों के मुताबिक आदिल दुर्रानी का पहले मेडिकल किया गया और उसी मेडिकल के आधार पर आदिल की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई। अब इस मेडिकल में और जांच रिपोर्ट बनाने में बमुश्किल आधे घंटे का वक्त लगा होगा, लेकिन इसके बाद 2.5 घंटे तक क्या हुआ ये सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पुलिस को आदिल की रिमांड नहीं मिली, मगर जांच अधिकारी की कस्टडी में आदिल आज सुबह ही आ गया था और आदिल करीब 3 घंटे से ज्यादा देर तक जांच अधिकारी की कस्टडी में रहा। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी बात ये भी आ रही है कि हो सकता है कि इस दौरान आदिल से पूछताछ की गई हो, अनऑफिशियली कोई स्टेटमेंट लिया गया हो या फिर कोई और बात कुरेदी गई हो, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो इस बीच हुआ है, कुछ ना कुछ तो नया हुआ है। अब आदिल दुर्रानी भी जब इन 3 घंटों के बाद कोर्ट पहुंचा तो इसके चेहरे मोहरे का रंग उड़ा हुआ था और आदिल दुर्रानी की हालत खराब लग रही थी। हालांकि वैसे ही जेल में आदिल के हालात खराब है, मगर यहां पर पुलिस की कस्टडी में जरूर कुछ न कुछ तीखी ग्रिलिंग आदिल के साथ हुई है, जिससे आदिल की कंडीशन और भी ज्यादा खराब नजर आ रही थी। अब यहाँ पर पूरी तरह से यू टर्न ही माना जा रहा है क्योंकि कहाँ तो आदिल को पुलिस के हवाले नहीं किया जा रहा था और कहाँ आदिल को जांच अधिकारी की कस्टडी में छोड़ दिया गया और इसके लिए बकायदा कोर्ट ने आदेश तक जारी कर दिया। हालांकि आदिल दुर्रानी की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, राखी के दबाव में, राखी के पीछे खड़े बड़े बड़े फिल्मी नामों के दबाव में काम कर रही है, लिहाजा मामले को जबरन पेचीदा किया जा रहा है। अब कुल मिलाकर हालात ये है कि आदिल के केस में यू टर्न आ गया है और मामला पूरी तरह से कोर्ट पर टिक गया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आपको पता ही होगा कि आदिल दुर्रानी के खिलाफ मैसूर के वीवीपुरम पुलिस स्टेशन में एक 376 का केस दर्ज किया गया है। ईरानी स्टूडेंट ने आदिल पर रेप का चार्ज लगाया है, साथ ही साथ ब्लैकमेल करने, धमकी देने और प्राइवेट फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी का केस भी ईरानी स्टूडेंट ने आदिल के खिलाफ दर्ज करवाया है। वहीं मैसूर से 1000 किलोमीटर दूर राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर घरेलू हिंसा, 1.5 करोड़ रुपए और ज्वेलरी चुराने के आरोप के साथ ही मारपीट के संगीन आरोप लगा रखे हैं, जिसके चलते आदिल दुर्रानी को ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब आदिल कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में बंद है। अब खबर ये है कि रेप केस में मैसूर पुलिस भी आदिल की कस्टडी लेना चाहती है और राखी सावंत के आरोपों की जाँच के लिए मुंबई पुलिस भी आदिल की कस्टडी लेना चाहती है, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें आदिल से पूछताछ करने का पर्याप्त वक्त नहीं मिला, इसीलिए वो आदिल से फिर से पूछताछ करना चाहते हैं। वहीं मैसूर के वीवीपुरम पुलिस थाने में 376 में मामला दर्ज है, तो मैसूर पुलिस भी आदिल दुर्रानी की कस्टडी चाहती है। अब इस मामले को लेकर कोर्ट में काफी बहस हुई, मगर कोर्ट से निकलकर राखी सावंत के वकील ने साफ साफ शब्दों में बताया कि हमें पूरा अनुमान है कि आदिल दुर्रानी की पहले कस्टडी मैसूर पुलिस को ही दी जाएगी, क्योंकि 376 का मामला ज्यादा संगीन होता है और उसमें त्वरित कार्रवाई की जरूरत होती है, इसीलिए आदिल को पहले ऑर्थर रोड जेल से मैसूर ले जाया जाएगा। मीडिया के पूछने पर कि क्या मुंबई पुलिस को आदिल की रिमांड नहीं मिलेगी, तो इस पर वकील ने कहा कि वैसे तो सब कोर्ट पर डिपेंड करता है, मगर मेरा अनुभव है कि पहले आदिल को मैसूर ले जाया जाएगा, वहां की पुलिस को जितने दिन की रिमांड मिलेगी उसके बाद आदिल को फिर से ऑर्थर जेल लाया जाएगा और फिर इसके बाद मुंबई पुलिस कोर्ट में आदिल की रिमांड के लिए अर्जी लगा सकती है। अब वकील ये सब डिटेल में बता ही रहे थे कि वकील के साथ मौजूद राखी सावंत ने वकील की बात को बीच में काट दिया और बीच में ही बोलते हुए कहने लगी कि जब कोर्ट में वकील बोल रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं खुद अपना केस लड़ रही हूँ। राखी यहीं नहीं रुकी, राखी ने कहा, मुझे तो कई बार लगता है कि मुझे वकालत करनी चाहिए थी ताकि हिंदी फिल्मों की तरह मैं भी अपना केस खुद लड़ सकूं। राखी ने एक बार फिर से कहा कि सच की जीत होगी और आदिल की हार होगी। एक्ट्रेस ने यहाँ पर अपने वकील की तरफ बार बार इशारा करते हुए कहा कि आज कोर्ट में मैं सोच रही थी कि मैंने लॉ की पढ़ाई क्यों नहीं की, खुदा ने जो मुझे आवाज दी है, जब आप कोर्ट में लड़ते हो तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी ही आवाज में आप बोल रहे हो। अभी पुलिस को उसकी कस्टडी नहीं मिली है, आयोग और पुलिस यहाँ आई है, उसको मुंबई से भी कस्टडी मिलनी चाहिए ताकि मेरे जो इल्जाम है उस पर जाँच हो सके और मुंबई पुलिस उन पर पूछताछ कर सके। राखी ने यहाँ पर अफसोस जताते हुए कहा कि हो सकता है मैसूर पुलिस पहले उन्हें मैसूर ले जाए और फिर उन्हें वापस ऑर्थर जेल लाया जाए, फिर यहाँ की पुलिस को कस्टडी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो हमें कस्टडी चाहिए ही चाहिए, बिना कस्टडी के पुलिस कैसे आदिल से पूछताछ करेगी। यानी राखी बार बार इसी बात पर जोर देती रही कि आदिल की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिलनी ही चाहिए। पता नहीं क्यों राखी को ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस को अगर कस्टडी नहीं मिली तो राखी का केस कमजोर हो जाएगा।